हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथमेटिक्स इजी वे। मैं पवन सर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज फिर से मैं आपको मैथ्स का एक नया वीडियो लेके आया हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, हमारा नवीं महाराष्ट्र बोर्ड का नवीं कक्षा का गणित भाग एक, इसका हमने पहला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इसी का दूसरा चैप्टर, और उस दूसरे चैप्टर का एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले का जो बेसिक जानकारी है, जैसे प्राकृतिक संख्या पूर्ण क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है, ये सब का वीडियो मैंने पहले ही एक बनाया हुआ है। अगर आप उसने वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, और उसका चाहिए तो लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। सारी संख्याओं का ज्ञान वहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे डिटेल में सिखाया गया है। इस पार्ट में हमें पढ़ना है परिमेय संख्या के बारे में, परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में। ओके, आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 2.2। तो एक्सरसाइज 2.1, और इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तीन क्वेश्चन दिए गए हैं, और हर एक क्वेश्चन में आपको शुरुआत के 3 सम्स करने हैं, बाकी के लास्ट के चौथा पाँचवा हर सवाल में आपको नहीं करना है। आप अपनी प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं, लेकिन हमें फ़िलहाल सिलेबस में क्या दिया है, स्टार्टिंग के 3 सम्स दिए गए हैं। तो आज हम लोग इन्हीं 3 सम्स को कोशिश करेंगे पूरा करने की। अगर नहीं हो पाया तो आधा सम्स आज करेंगे और पूरा बाकी का सम्स बाद में करेंगे, ओके, नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले मैं यही कहूँगा दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो दोस्त, और आपको मैथ सीखना है तो आपको इस चैनल से जुड़ जाना है। और चैनल से जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, लाल रंग का जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उस सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस कर दीजिए, और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, जिससे बाकी दोस्तों की भी पढ़ाई आसानी से हो सके। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज एक्सरसाइज 2.1 का हम लोग पहला सम्स। पहला सम्स देखिए दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्याओं के दशमलव रूप शांत और कौन सी संख्याओं के दशमलव रूप अनवसानी यानी अखंडित आवर्ती हैं। देखिए, जब भी आप कभी भी भाग देते हैं तो क्या घटना घटती है, कभी कभी भाग क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, पूर्ण हो जाता है यानी शेषफल जीरो हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपको शेषफल जीरो नहीं आता है, आप भाग देते जाते हैं और वो भाग ख़त्म होता नहीं है। लेकिन उसमें एक चीज़ दिखाई देती है कि भाग देते समय आपको कुछ क्षण बाद क्या हो जाता है, वह संख्या फिर से रिपीट हो जाती है जिसमें आप भाग दे रहे थे। तो ऐसे समय, ऐसे कंडीशन में उसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है शांत, जब शेषफल जीरो आ गया तो उसको क्या बोलेंगे, शांत या खंडित बोलेंगे। जब शेषफल जीरो हो गया, भाग दे रहे हैं आप, शेषफल जीरो आ चुका है। लेकिन एक ऐसा होता है जब शेषफल जीरो नहीं आ रहा है और कुछ क्षण बाद क्या हो रही है, जिसमें हम भाग दे रहे थे वही संख्या फिर से रिपीट हो रही है, तो ऐसे को क्या बोला जाता है, ऐसे दशमलव रूप को क्या बोला जाता है, अखंडित आवर्ती। आवर्ती मतलब होता है रिपीट होना, अगर रिपीट हो रहा है तो वह क्या कहलाएगा, अखंडित आवर्ती कहलाएगा। ओके, तो इस तरह से हमें दशमलव मतलब भाग देना है, और भाग देकर देखना है कि दशमलव शांत हो रहा है कि उसका दशमलव स्वरूप अशांत है, ये चीज़ को आपको पता करना है। तो चलिए पहला सवाल से स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है 13/5। तो हमारा पहला सवाल है 13/5। तो हम लोग यहाँ पे 13 लिखा गया है और उसमें भाग देना है किससे, 5 से। तो यानी कि 13 जो ऊपर नंबर होता है उसको अंदर लिखा जाता है, और भाग किससे दिया जाता है, जो नीचे वाला नंबर है। अब आप जानते हैं 5 का पहाड़ा तो आपको आता होगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 3 बार में ज़्यादा हो जा रहा है तो यानी 2 रखेंगे, तो 2 5 दूनी 10 हो गया, यहाँ पे 10 लिखा जाएगा। अब घटाएंगे तो बचेगा 3। अब आगे देखो, आपको नंबर ख़त्म हो गया, नंबर ख़त्म हो गया यानी कि आपको यहाँ दशमलव लगाना है, दशमलव लगाते ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 0 बढ़ जाएगा। ओके, अब देखिए हो गया ये 30, तो 5 6 30 होता है यानी कि यहाँ पर 6 बार जाएगा, और ये 30 यहाँ आ गया, अब इसे आप घटा देंगे तो ये 0 आ गया। तो देख लीजिए शेषफल आपको क्या आ गया, 0 आ गया। शेषफल 0 आ गया, इसका मतलब ही क्या है बच्चों, कि इसका दशमलव स्वरूप क्या है, शांत है। तो यहाँ पर आप आंसर क्या लिख देंगे, आंसर आपको लिखना है कि 13/5 बराबर भाग देने में कितना रहा, 2.6, अर्थात इसका दशमलव स्वरूप, इसका
दशमलव रूप शांत है। शांत लिखिए या खंडित लिखिए, एक ही बात है। ओके, इस तरह से आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो ये हुआ हमारा पहले क्वेश्चन का पहले का आंसर। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 2/11। 2/11 यानी दो में भाग देना है किससे, 11 से। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, दो अंदर लिख देंगे और बाहर 11 लिख देंगे। अब देखो 11 तो बड़ा है और दो छोटा है। छोटा है यानी कि पहले कितनी बार जाएगा, 0 बार जाएगा, तो यहाँ 0 लिखेंगे। अब दो उतार देंगे, अब दशमलव लगेगा तो एक 0 क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब 11 एक कम 11, 11 दूनी 22, दो बार में ज़्यादा हो जाता तो एक बार जाएगा। 11 एक कम 11, घटाएंगे कितना आ जाएगा, 9। अब 9 दशमलव लगाया है तो यानी एक 0 फिर से बढ़ सकता है। तो 11 8 88 होता है, 8 बार जाएगा, तो यहाँ पर 8 बार आप लिखेंगे और यहाँ 88 लिख देंगे। अब घटाएंगे तो 2 आ गया। अब आप देखिए एक चीज़ आप ऑब्जर्व किए कि अभी 2 आ गया है ना, फिर से देखो। और इससे पहले आपने स्टार्ट कहाँ किया था, 2 से ही स्टार्ट किया था, यानी कि अब देखो संख्या फिर से रिपीट हो रही, फिर से भाग दोगे तो 1/8 ही आएगा, है ना। देखो स्टार्टिंग में आपने भाग कहाँ स्टार्ट किया था, 2 से भाग दिया, 2 में भाग देना स्टार्ट किया था 11 से। अभी आप भाग दिए तो फिर से यहाँ देखो 2 आ गया, यानी कि ये चीज़ क्या होती जाएगी, अब आपको रिपीट होती जाएगी। तो इसका मतलब है कि इसका दशमलव स्वरूप क्या होगा, आसान होगा। अभी आप भाग दोगे ना फिर से वही रिपीट होना चालू हो जाएगा, इसलिए अब आपको शेषफल इसका 0 नहीं आ सकता, इसका शेषफल 0 नहीं आएगा, यानी कि इसका दशमलव स्वरूप क्या हो गया, आसांत है, यानी कि हम बोल सकते हैं अखंडित है। अखंडित वो भी आवर्ती है, आवर्ती यानी कि ये संख्याएं क्या होती जाएंगी, रिपीट होती जाएंगी। ओके, तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि अगर हम आंसर में क्या लिखोगे कि 2/11 को जब हम भाग देते हैं तो आंसर आता है 0.1818, ऐसा आता जाएगा। ओके, अर्थात क्या बोल सकते हो कि इसका दशमलव स्वरूप, अर्थात इसका दशमलव स्वरूप, दशमलव रूप अखंडित, सिर्फ अखंडित नहीं लिखना, अखंडित आवर्ती, क्योंकि देखो रिपीट होता जाएगा, आवर्ती है। ओके, तो ये हुआ हमारा पहले का सेकंड का आंसर, क्लियर। अब बढ़ते हैं हम लोग क्या क्वेश्चन पहले के तीसरे पे, 29/16। यानी कि हमें क्या करना है, भाग देना है 29 में, वो भी किस से, 16 से। तो चलिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 29 अंदर लिखेंगे और 16 को यहाँ पे बाहर लिख देंगे। तो 16 एकम 16, 16 दुनी 32 होता है, दो बार में ज़्यादा हो जाता है यानी एक बार जाएगा, तो 16 एकम 16 यहाँ लिख लेंगे। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 13। अब आप दशमलव लगाएंगे तो एक 0 बढ़ेगा, 130। तो 16 8 128 होता है, यहाँ लिख के घटाया, घटाया तो कितना आ गया आपको, 2। अब फिर से एक 0 बढ़ेगा क्योंकि दशमलव लगाया, तो 20 हुआ, तो 16 एकम 16 आएगा फिर से। अब घटाओगे तो क्या आएगा बच्चों, 4, है ना, 4 आया। अब फिर से एक 0 बढ़ेगा, अब 16 दूनी 32, तो दो बार जा रहा है, 16 तीन 48 हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो 16 दूनी 32 लिखेंगे, यहाँ पे आपको 2 लिखना है। और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, 32। अब कितनी बार जाएगा देखो, एक घटा तो 8 हो गया, अब एक 0 बढ़ेगा, अब 16 25 80, क्योंकि आप देखो हम लोग भाग क्यों कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक कोई संख्या रिपीट नहीं हो रही थी, तो इसलिए भाग कंटिन्यू चला जा रहा है। तो 16 25 80 होता है, तो यहाँ पे 80 लिख देंगे और घटा देंगे तो ये 0 आ गया। और वहाँ भागफल में क्या लिखेंगे, 5 बार, है ना, 5 बार गया था ना। तो यहाँ पे देखो पूरा का पूरा भाग जा रहा है, पूरा का पूरा भाग जा रहा है, और शेषफल कितना आ रहा है, 0 आ जा रहा है। शेषफल 0 आ गया यानी कि इसका दशमलव रूप क्या है, शांत है। तो यहाँ पे आप फाइनल आंसर में ये लिख सकते हैं
कि जब हम 29/16 में भाग देते हैं तो आपका आंसर आता है 1.8125, अर्थात 0.7 है ना। शेषफल 0 आ गया यानी 7 है। तो ये हुआ हमारा पहले का तीसरे का आंसर। आपको इसको मैं छोटा सा करके दिखा देता हूँ। ओके, इसमें कोई भी अब आपको गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो भाग अगर आपको अच्छे से आता है तो आप भाग आसानी से लेकर के से दशमलव स्वरूप में आसानी से बदल करके दिखा सकते हैं। क्लियर? ये आपने 8वीं में सीखा था, ये आपके लिए नया नहीं है। चलिए अब अगले बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्योंकि मैंने बोला इसमें हर क्वेश्चन में से 3 ही क्वेश्चन करना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2, इसमें सिर्फ दशमलव रूप में लिखना है। यानी कि जो पहला क्वेश्चन किए थे ना उसमें हम दशमलव रूप में लिख रहे थे, लिखने के बाद बता भी रहे थे कि शांत है कि अशांत है। तो यहाँ पे वो बताना जरूर बताना नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है दशमलव स्वरूप में लिखना है सिर्फ। ओके, ये पी बटे क्यू के यानी परिमेय संख्या के रूप में है, आप इसे दशमलव स्वरूप में क्या करेंगे बदलेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पहला। पहले वाले में किसको भाग देना है? 127 में भाग देना है 200 से। 200 से भाग देना यानी 2 का पहाड़ा लिख लो, उसमें 2-2 जीरो लगाते जाओ। भाग देना बहुत आसान है, ऐसा कुछ कठिन नहीं है। तो चलिए पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है 127/200, तो 200 को बाहर लिखा जाएगा, अंदर क्या लिखा जाएगा? 127। क्लियर? अब पहले देखो 127 छोटा है, 200 बड़ा है, यानी 0 बार जाएगा। 0 बार जाएगा तो यहाँ 0 लिखेंगे, अब घटाएंगे तो 127 ही आएगा। अब एक दशमलव लगेगा तो एक 0 बढ़ जाएगा यहाँ पे। तो देखो 2 × 12 होता है, तो 200 × कितना होगा? 1200 हो जाएगा, यानी 6 बार जाएगा। 2 का पहाड़ा याद रखो और 2 जीरो लगाते जाओ। 2 × कितना होता है? 12, और 2 जीरो लग गया यानी 1200 हो गया, तो 6 बार जाएगा टोटल। ओके, अब घटाओगे कितना आ जाएगा? 70। कितना आएगा? 70 आ जाएगा। अब ये दशमलव लगाए तो एक जीरो और बढ़ गया। अब 2 × 3 = 6 होता है, तो 600 हो गया, तो 3 बार जा रहा है, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे? यहाँ पे 3 लिख देंगे, और यहाँ पर आपको 600 लिख देंगे। अब घटाएंगे तो कितना बचेगा? 100। अब दशमलव लगा है तो एक जीरो बढ़ जाएगा, तो 2 × 5 क्या होता है? 10 होता है, यानी कि 200 × 5 1000 हो जाएगा, तो 5 बार जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग 1000 लिख दिए, तो शेषफल क्या आ गया? 0 आ गया, और ऊपर हम लोग लिख देते 5 बार गया था। तो जब हमने इसको भाग दिया तो हमारा आंसर आ चुका है। आंसर क्या आया है कि जब हमने 127 में 200 से भाग दिया तो हमारा आंसर आया 0.635। यही हमें, क्योंकि दशमलव रूप बताना नहीं, बस आपको भाग देकर के दशमलव रूप में बदलना है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आप इसको छोटा करके इस तरह से देख सकते हैं। क्लियर? इसमें कोई भी डाउट रहना नहीं चाहिए, आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन आपको देखते हैं, 25/99। 25 में भाग देना है 99 से। चलिए कोई तकलीफ, देखिए कभी भी याद रखें 99 से भाग देना है, और ऊपर वाला नंबर अगर आपको छोटा है 99 से तो वही नंबर रिपीट होता जाता है, इसमें आपको कोई भी भाग देने की आवश्यकता ज़्यादा पड़ेगी नहीं। फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप भाग दे करके यहाँ दिखा सकते हैं। 99 को बाहर लिखेंगे, अंदर 25 लिखेंगे। बच्चों ये छोटा है तो 0 बार जाएगा, यहाँ 0 लिखिए और यहाँ पे 25 लिखिए। अब दशमलव लगेगा तो एक 0 बढ़ेगा, तो याद रखिए पहला अंक क्या था? 2, यहाँ पे तो 2 बार जाएगा। 99 दुनी कितना होता है? 198। बचेगा कितना? 52। अब 52 यानी एक 0 बढ़ गया, 520, 5 बार वही नंबर आता जाएगा। देखो 25 लिखा ना, तो वही 25 आता जाएगा, फिर 2 × 5 आएगा, फिर 2 × 5 आएगा, ऐसा रिपीट होता जाएगा। इसलिए 99 से भाग देना बहुत आसान है।
तो ये 5 बार जाएगा तो 99 पंचे कितना होता है, 495। कितना होता है, 495। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 495, घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपको 25, है ना। अब देखो फिर से 25 में हमने भाग देना स्टार्ट किया था, फिर से 25 आ गया, यानी कि एक सिलसिला क्या होता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, यानी कि 2 5 2 5 आता रहेगा, क्लियर। तो इसलिए आपको अब इसके आगे भाग देने की ज़रूरत नहीं है। तो आप डायरेक्ट यहाँ बता सकते हैं कि इसको अगर हम भाग ऐसे देते रहेंगे तो आंसर में क्या आएगा, अगर हम 25 में 99 से भाग देते रहेंगे तो 0.25 पहले आया, फिर से 25 आएगा, फिर से 25 आएगा, इस तरह से रिपीट होता जाएगा। यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं 0.25, ये संख्या जो संख्या रिपीट हो रही है उसके ऊपर से बार साइन मार देते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्लियर। तो ये हो गया हमारा सेकेंड। इसको छोटा करना चाहें तो छोटा करके इस तरह से देख सकते हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 23 में भाग देना है 7 से, ये थोड़ा सा भाग लंबा होने वाला है। ओके, चलिए 23 में भाग देंगे 7 से। तो 7 3 21 होता है, तो यहाँ 21 लिख देंगे, घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। अब फिर दशमलव लगेगा तो एक जीरो बढ़ेगा, जीरो बढ़ा तो ये हो गया 7 2 14, बचेगा कितना 6। अब फिर से एक जीरो बढ़ेगा, 7 8 56, घटेगा तो कितना बचेगा 4। फिर जीरो बढ़ेगा, 7 5 35, तो ऊपर क्या लिखेंगे 5। नीचे यहाँ 35 लिख के घटाया तो ये 5 आ गया। फिर जीरो बढ़ेगा 50। देखो भाग देते समय तब तक भाग देते रहना जब तक संख्या कोई ऊपर वाली रिपीट ना हुई हो। तो 7 7 49 होता है, तो यहाँ 49 लिख देंगे, पहले वहाँ 7 बार लिख देते, 7 बार गया तो यहाँ 7 आ जाएगा, और यहाँ पर आपको 49 घटा तो कितना आ गया 1। अभी भी देखो 1 रिपीट नहीं हुआ था। अब फिर से यहाँ एक जीरो बढ़ेगा तो 7 1 7, तो एक बार गया, है ना। तो एक बार यहाँ 7 1 7 घटा तो कितना आ गया 3। अब ये जीरो बढ़ेगा, 7 4 28, कितनी बार जा रहा है 4 बार, अब घटा तो क्या आ गया 2। तो बच्चों देखो 2 एक बार आ चुका है, कहाँ आया है देख सकते हैं आप, अगर देखें तो 2 यहाँ पे आया था, ये देखो यहाँ पर, मैं इसको अलग पेन से टिक मार करना चाहूँगा, यहाँ देखिए 2 आया था, यानी कि अब यहाँ से पूरी संख्या फिर से क्या हो जाएगी, रिपीट होना चालू हो जाएगी। तो कहाँ से रिपीट होना चालू होगा, 285714 से, ये क्या होगा, फिर से सिलसिला चलता आएगा। तो जहाँ से संख्या रिपीट होना चालू हो जाए तो वहाँ से भाग देना आपको क्या करना है, बंद कर देना है। ओके, तो यहाँ से यानी कि अब हमारा 2 फिर से आ गया है, तो इसका मतलब अब हम यहाँ पे भाग देना नहीं करेंगे, यहाँ भाग देना बंद कर देंगे। तो यानी कि अगर हम इसे भाग देते हैं तो हमारा आंसर क्या आया, तो हम यहाँ आंसर में लिख सकते हैं, अगर हम 23 में 7 से भाग देते हैं तो हमारा आंसर आता है 3.285714। ये संख्या इस आने के बाद यही संख्या फिर से क्या होगी, रिपीट होगी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा,
क्लियर। इसको छोटा करना चाहें तो छोटा करके देख सकते हैं कि काफ़ी लंबा भाग था। ओके, तो ये हुआ हमारा आंसर। जहाँ से रिपीट होना चालू करें वहीं से बंद कर देने का, और उतनी संख्या इसके बाद वाली क्या होगी, आपको उसके ऊपर बार साइन आ जाएगा। क्लियर। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं को पी बटे क्यू के रूप में लिखो। मतलब आप दशमलव रूप में लिखा है, आपको क्या करना है, इसे बटे के रूप में बदलना, प्रमेय पी बटे क्यू के रूप में बदलना है। ओके, तो मैं आपको यहाँ के 3 सवाल आपको करा देता हूँ, बाकी के 2 सवाल अपनी प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हैं। इसको ध्यान से समझना है कैसे करना है। क्लियर। चलिए, पहला सवाल आपको दिया है 0.6 बार इसको पी बटे क्यू में बदलना। तो हमेशा याद रखो बच्चों, जब भी सवाल स्टार्ट करोगे तो जो संख्या दिया उसको पहले एक्स मान लेना। तो क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ लिख दोगे माना x बराबर क्या है 0.6 बार। जो भी संख्या रहेगा उसको क्या करोगे, पहले x मान लोगे और उसको क्या बोल दोगे, समीकरण नंबर 1। हर सवाल में यही करना है। सेकेंड स्टेप क्या करना है कि जितने संख्याओं के ऊपर बार लगाए वो संख्या काउंट कर लो। तो 6 अकेला संख्या है, अकेला है, यानी कि 10 से गुणा करोगे। 2 संख्या रहेगा तो 100 से गुणा करोगे। 3 संख्या रहेगा तो 1000 से गुणा करोगे दोनों पक्षों में। तो यहाँ पे देखो, दशमलव के बाद 6 है, 6 के ऊपर बार साइन है, तो बार साइन सिर्फ एक अंक के ऊपर है, यानी 10 से गुणा करना है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, एक अंक रहेगा तो 10 से गुणा करोगे, 2 अंक रहेगा तो 100 से, 3 अंक रहेगा तो 1000, यानी उतना जीरो बढ़ाते जाना है एक के आगे। तो यहाँ एक अंक है यानी एक के आगे एक जीरो लगानी, यानी 10 से। तो दोनों पक्षों में किससे गुणा करोगे, 10 से। तो यहाँ आप लिखोगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर ओके। अब जब 10 से गुणा करोगे तो होगा क्या, 10 में x से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 10x आ जाएगा, बराबर का साइन। इसमें गुणा करोगे तो देखो, ये अंक आपको जो 10 से गुणा करोगे ना, तो 6 इधर आ जाएगा। अगर यहाँ कोई अंक है तो वो भी ले लेने का, लेकिन यहाँ 0 है तो 0 नहीं लोगे, सिर्फ 6 जो दशमलव है, दशमलव क्या होगा, एक अंक आगे खसक जाएगा। तो ये हो जाएगा 6, फिर से देखिए थोड़ा सही से लिखा है नहीं है, इसको मैं मिटा देता हूँ। क्या आएगा, 6.6 बार, है ना। दशमलव सिर्फ क्या होगा, एक अंक आगे खसक जाएगा। इसको मैं आपको इस तरह से दिखा देता हूँ, ये है ना, जो 10 से गुणा करोगे तो एक अंक आगे खसकेगा। और अगर आपको 6 बार का मतलब समझते हैं, 0. ये क्या होता है, 6, 6 ऐसा रिपीट है। तो जब आप 10 से गुणा करोगे तो एक अंक ये क्या होगा, आगे खसक गया, और ये आपको अंक कंटिन्यू है, इसलिए आपको ये 6.66 बार आता जाएगा। तो इसी को आप क्या बोलोगे, समीकरण नंबर 2। इसको क्या बोलोगे, समीकरण नंबर 2। अब आपको क्या करना है, हमेशा समीकरण 2 में से क्या करना है, एक को घटाना है। जो आपका समीकरण 2 बनेगा ना, उसी में से क्या करना है, समीकरण 1 को घटा देना है। तो यहाँ आप लिखोगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। ओके, तो समीकरण 2 में पहले देखो बाईं तरफ क्या लिखा है, 10x लिखा है। तो 10x पहले लिखोगे, माइनस ऊपर क्या लिखा था, x, ये बाईं तरफ हो गया। अब इसे दाईं तरफ 6.6 बार पहले लिखा है 2 में, उसमें से घटाओगे कितना, 0.6 बार। तो 10x में से 1x गया तो कितना बचता है, 9x बराबर। यहाँ पे देखो, घटाने का मतलब है 6.6 बार। देखो मैं यहाँ आपको घटा के दिखा रहा हूँ, 6.6 बार में से 0.6 बार घटाना है। तो ये सेम नंबर है, ये घटेगा तो कितना आ जाएगा, 0, और 6 में से 0 गया तो कितना बचता है, 6। यानी कि यहाँ पे आपका आंसर क्या आ गया, 6। अब यहाँ x के पास 9 गुणे में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं x बराबर 6/9, लेकिन 6 और 9 3 के पहाड़े में आते हैं, तो इसको भाग दे देना है। 3 × 6, 3 × 3 = 9। तो ये हुआ हमारा आंसर। ओके, तो आंसर में क्या लिखोगे, फाइनल आंसर में
कि जब हमने 0.6 बार को पी बटे क्यू के रूप में बदलेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, 2/3 आएगा। क्लियर? मुझे नहीं लगता कोई डाउट रहेगा। स्टेप आपको फॉलो करना है, अगर अपने स्टेप से इसे फॉलो किया तो आपका आंसर आना ही आना है। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं, तो थोड़ा सा और आपका डाउट क्लियर हो जाएगा जो भी डाउट मन में है। जैसे 0.37 बार को आपको क्या करना है, बदलना है। तो पहला स्टेप मैंने क्या बताया था आपको, पहले मान लोगे, मानोगे ना, तो पहले माना, क्या मानोगे, एक्स। माना एक्स बराबर 0.37 बार, ये हो जाएगा समीकरण नंबर एक। इतना स्टेप समझा, हर क्वेश्चन में पहला जो है उसको क्या मानोगे, एक्स मानोगे। अब दूसरा हमें सोचना है कितने का गुणा करना है, तो दोनों पक्षों में कितने से गुणा करोगे, दशमलव के बाद देखो कितना बार साइन कितने संख्याओं के ऊपर लगा है, बार साइन दो संख्याओं के ऊपर लिखा है, यानी कि एक के आगे मुझे क्या करना है, 2 जीरो लगा देना, यानी 100 से मुझे क्या करना है, दोनों पक्षों में गुणा करना है। तो 100 से गुणा करेंगे, 100 से गुणा करोगे तो क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा 100x, है ना। और यहाँ पे मैंने बताया था अगर यहाँ जीरो है तो डायरेक्ट आप समझ जाइए कि जितने बार संख्या है वो दशमलव के पहले भी आ जाएंगे और वो दशमलव के पीछे वाला ऐसे सेम रहेगा, सेम टू सेम वही रहेगा। दस बार वाला साइन जो दशमलव बाद वाला रहता है वो चेंज नहीं होता, वो वैसे के वैसे पड़ा रहता है। अब ये हो गया समीकरण नंबर दो। अब समीकरण दो में से आपको क्या करना है, समीकरण एक को घटाना है। तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, तो दो में से पहले क्या लिखा था, 100 लिखा, देखो दो बाई तरफ क्या लिखा है, 100x लिखा है, माइनस उसमें से ऊपर वाले घटाओगे यानी x को घटाओगे, बराबर यहाँ पे देखो 37.37 बार पहले है उसमें से घटाना है 0.37 बार, तो पीछे की संख्या सेम है तो यहाँ आ जाएगा 99। देखो 100 में से एक गया तो बचता कितना है, 99 बचता है ना, और यहाँ पे 37 बार कट जाएगा यानी 37 बचेगा, तो x बराबर हो जाएगा 37/99। यही हमारा आंसर हो गया कि जब हम 0.37 बार को बदलेंगे तो ये आ जाएगा आपको 37.99। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलिए, उसको थोड़ा छोटा कर देते हैं जिससे बच्चे आसानी से लिख सके। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं 3.17 बार। इसमें देखो दशमलव के पहले एक अंक भी है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, दशमलव के पहले अगर अंक है, जीरो नहीं है तो भी आपको सेम प्रोसेस को क्या करना है, फॉलो करना है। पहले क्या करोगे, मानो, माना एक्स बराबर 3.17 बार, समीकरण नंबर एक। पहला स्टेप तो आपको समझ में आ गया होगा, हर एक को एक्स मानना है। इसके बाद दूसरा सोचना है कितने गुणा करना है, तो दोनों पक्षों में बार साइन कितने अंक नंबर के ऊपर है, 2, तो यानी 100 से गुणा करोगे, सिंपल सी बात है, 100 से गुणा करने पर। अब 100 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ 100x हो जाएगा। और यहाँ पे देखो बच्चों, अब आपको डाउट नहीं होना चाहिए, 3 पहले से 3 लिख लेना और ये जब दशमलव 2 अंक खसकेगा यानी 17 यहाँ आ जाएगा और फिर 17 बार पीछे रहेगा, याद रखना यहाँ जो नंबर है उसको लिखा और ये जो बार साइन है 2 अंक आगे खसका यानी 17 यहाँ आ गया, फिर से 17 पीछे, बार साइन यानी वो 17 बार बार रिपीट है इसलिए आपको 17 वहाँ लिखते जाना है, तो ये हो जाएगा आपको 317.17 बार। क्लियर? अब समीकरण दो में से क्या करोगे, समीकरण एक को घटाओगे, तो यहाँ लिखोगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। अब दो में से घटाओगे तो सबसे पहले क्या लिखोगे, 100x
फिर माइनस एक्स, यहाँ तो कॉमन चीज़ है, वहाँ पे देखिए क्या होगा, 317.17 बार जो है उसमें से आपको घटाना है 3.17 बार। अब इसको मैं आपको घटा के बताता हूँ पहले, इसके बाद फिर आंसर लिखता हूँ। तो देखो घटाओगे तो क्या आएगा, यहाँ आपको मैं रब करके दिखा देता हूँ, 317.17 बार है, उसमें से आपको घटाना है 3.17 बार, है ना। ये तो पीछे का नंबर सेम है तो ये क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा, सात में से तीन गया तो चार बचता है, एक यहाँ 314 आ गया, है ना, 314.0 यानी 314। तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि घटाने पे कितना आएगा, 314 आएगा। ओके, इसको मैं अब रब कर देता हूँ, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे देखो 99 आएगा, 100 में से एक गया तो कितना बचता है 99, एक्स बराबर यहाँ 314। अब x का मान ज्ञात करना है तो x बराबर 314/99, जो यहाँ संख्या के पास x के पास रहेगा कहाँ जाएगा, बटे में। अब ये किसी संख्या में भाग जाता नहीं है, यानी कि यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ आंसर आप लिख सकते हैं कि 3.17 बार को जब हम उसमें बदलेंगे तो 314/99 आपका आंसर आ जाएगा। इसको हम चाहे तो छोटा कर सकते हैं, आप आसानी से देख के इसके बाद लिख सकते हैं। क्लियर, तो इस तरह से हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का तीसरा। तो तीन तीन सवाल हर एक क्वेश्चन में करने थे जो कि मैंने आपको करा दिया। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना, लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो दोस्त सब्सक्राइब कर देना है। आपने वीडियो को इतनी देर तक देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।